हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है हार जीत, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और इस प्रकार से करेंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मजाक मजाक में प्रश्न और आंसर याद करने का ट्रिक। देखिए पहला कि उत्सव कौन मना रहा है और क्यों मना रहा है। सबसे दुनिया के आसान प्रश्न है, उत्सव जनता मना रहे हैं। और काहे मना रहे हैं? तो उनकी सेना जो है युद्ध में गई थी, वो जो है जीत कर आ रही है, इसीलिए उत्सव मना रहे हैं। यह तो एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जो है जायज है। तो नागरिक जो है जीत का महापर्व मना रहे हैं, इसीलिए व्यस्त हैं। ओकर सेना जीत के आ रहा है, इसीलिए वो तैयारी में जो है व्यस्त है कि नहीं। लेकिन क्या उनकी व्यस्तता जायज है, क्या वो जो पर्व मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं व्यस्त हैं, वो सही बात है? नहीं, उनकी जो व्यस्तता है वो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उनको पते नहीं है कि कौन जीत के आ रहा है, कौन हार के आ रहा है, कौन गया था युद्ध में, किसके साथ लड़ा था, ये पते नहीं है। आज जो है का तो जीत के खुशी मनावल जा रहा है, तो ये जायज है। और मान के चलिए कि हमारा पते नहीं रहेगा कि हमार शादी केकरा से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हम तैयारी कर लेंगे, सपना देख लेंगे कि हमारा जाए ला है अब टूर पे घूमे। अरे यार, पहले मालूम तो रहे केकरा से साथ शादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया, यह विजय किनकी है और आप क्या सोचते हैं बताएं। बड़ी आसान प्रश्न है, झूठ मूठ के इतना बड़का बनाई ले है। देखिए कैसे छोटा छोटा करके इसका आंसर दीजिए। किसकी विजय हुई है, सेना की कि नागरिकों की, एक आंसर आप ही बता दीजिए। केकर जीत हुआ है, पते नहीं है कि केकर जीत हुआ है, तो एक आंसर क्या लिखेंगे। किसी की भी विजय नहीं हुई है, ना ही सेना की ना ही नागरिकों की, कौनो जीता नहीं है, पते नहीं है कि कौन जीता है, उनकी जीत हुई है। यानी कौनो रहता तब न कि सेना के कि नागरिक के। तो किसी की भी विजय नहीं हुई है, ना ही सेना की और ना ही नागरिकों की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किनकी है। जो कवि जो है यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है कि किनकी जीत हुई है। तो कवि ने यह प्रश्न इसलिए खड़ा किया है कि कवि जो है आपके जीवन के यथार्थ को बताना चाहता है कि आपके जीवन में आपके नेता लोग जो हैं आपको धोखा देके कैसे आपके वोट को लेके चले जाते हैं कि हम आपके लिए जो है हवाई जहाज बनवा देंगे, आप वोट दीजिए। तो उहे बात को यहाँ पे दर्शाया गया है, इसीलिए कवि ने यह प्रश्न उठाया है। यह विजय किनकी है, ये विजय कौनों के नहीं है, है कि नहीं। विजय मतलब कोनो लड़का के नाम नहीं, हार और जीत एगो होता है, जीत के विजय कहा जाता है। और आप क्या सोचते हैं बताएं इसके बारे में, और आप क्या सोचते हैं कि कौन जीता, नागरिक की सेना, इसके बारे में बताएं। तो इसके बारे में अगर हमरा से पूछल जाए तो हम ये सोचते हैं कि नेता लोग जो है खाली जनता के बेवकूफ बनाता है कि हमरा वोट दो, हम तोरा ला एरोप्लेन बनवा देंगे। ये खाली जो है झांसा होता है और कुछ नहीं होता है। नेता लोग आपको झांसा में रख के जो है सब काम निकलवा लेता है। ये बात हमरा समझ में आया, मेरे सोच के अनुसार। अब आप क्या सोचते हैं सर, आप अपन अनुसार आंसर देंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हार जीत चाहे हिंदी के पूरा टोटल हमको नोट्स प्रोवाइड किया जाए, तो आपको नोट्स मिलेगा सर। बट एक नंबर है 9608339424, ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जो है आपका नोट्स जो है अवेलेबल होने वाला है। अवेलेबल कैसे होगा, तो आपको 101 रुपीज़ इसी नंबर पे करना होगा। पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स इसी नंबर पे आप भेजेंगे, आपको जो है नोट्स पूरा हिंदी का मिल जाएगा। काहे कि हिंदी ख़त्म होने वाला है, लास्ट चैप्टर एगो बचा है जिकर नाम है गांव घर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस कविता के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? बड़ी आसान प्रश्न है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत मतलब समझते हैं, खेत मतलब कि युद्ध में गया आ जो मरा गया ओकरा कहल जाता है खेत रहना। तो खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है यानी कि युद्ध में जो गईल था जीते उमें से जीत के जो आया उहो तो नहीं पता है लेकिन कितना मरा के आया उहो पता नहीं है। सूची अप्रकाशित है, नहीं पता है। इस कविता के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है आप बताइए। इस कविता के द्वारा कवि यही कहना चाहा है कि लोग गरीब लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं इससे कौनों के कोई नेता के फर्क नहीं पड़ता है। वो अपन खाली जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह बात इस कविता के माध्यम से बताया गया है यानी कि पूरा जो हार जीत कविता है ये पे देखिए वो हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ये पूरा हार जीत कविता जो है नेताओं से ही रिलेटेड है इसीलिए हम बार बार नेताओं का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है यानी कि जो युद्ध में गए थे वो मरा गए उनकी संख्या जो है हमें पता नहीं है। इस कविता के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? इस कविता के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि लोग गरीब लोग मर रहे हैं एकर बारे में कोनो नहीं जानना चाहता है, भूखा सो रहे हैं इसके बारे में कोनो नहीं जानना चाहता है, लोग सिर्फ अपने खुशी में व्यस्त है कि नहीं। नेक्स्ट है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? जो सड़क है ओकरा पे पानी काहे पटावल जा रहा है? अब यो बात हमरा बतावे वाला पड़ेगा। सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि सड़क पे धूल मिट्टी जम गई है, तो धूल मिट्टी जम गई है या जब जीत के खुशी मनावित नेता आएगा तो ओकर मुहुआ पे पड़ेगा धूल मिट्टी, तो ओकरे जो है तोपने के लिए यानी कि धूल मिट्टी को जो है जब पानी पटाएंगे तो भींग जाएगा तो उड़ेगा नहीं इसीलिए सड़कों को जो है सींचा जा रहा है। अभी सब प्रश्न अगर याद करे पड़ जाए तो समझिए कि लानत है पढ़ाई पे, है कि नहीं। नेक्स्ट है कि बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? अगर आप रियल में कविता वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको कोनो डाउट नहीं रहे वाला है, फिर भी देख लीजिए तनी। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग जो हैं एक बार फिर हार गए हैं। बूढ़ा मशक वाला कहता है कि हम लोग एक बार फिर हार गए हैं। ये जो बैंड बाजा के साथे जो न आ रहा है सब जश्न मनावित वो सब जीत के जश्न नहीं मना रहा है, वो सब हार के जश्न मनावित आ रहा है। ठीक है, यह कहता है बूढ़ा मशक वाला। लेकिन ये बात कहता क्यों है, यही तो मेन ट्विस्ट है सर कि आखिरी बात कहता क्यों है। तो बूढ़ा मशक वाला इसलिए यह बात कहता है कि उसको जो है उसने अपने जीवन के एक्सपीरियंस के अनुसार ये अनुभव किया है कि नेता जो है झांसा दे के आपसे ठगी करेंगे और बाद में जो है आपको कुछ मिले वाला नहीं है, यह लिए जो है ये बात कहता है कि नहीं। नेक्स्ट बात, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है, यह बात बतावे वाला है। बूढ़ा मशक वाला को खाली जिम्मेदारी काहे ला मिलल गई है? तो खेत के सींचेला, खेत कह रहे हैं सड़क को सींचेला पटावेला और दूसर काम नहीं। लेकिन कौन ऐसे जिम्मेदारी है जो उसको नहीं मिला है यानी कि उस जिम्मेदारी से वो मुक्त है? तो बूढ़ा मशक वाला जो है सच लिखने और सच को पढ़ने की जिम्मेदारी से जो है मुक्त है कि नहीं। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेदारी से मुक्त है? तो बूढ़ा मशक वाला सच को दर्ज करने यानी कि लिखने और सच को बोलने वाली जिम्मेदारी से मुक्त है। पढ़े लिखे लगा तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, जिन किन के लिए आया है, वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं और वे सेना के साथ क्यों गए थे, वे क्या जीत कर लौट रहे हैं, बताइए तनी।
दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एगो है, खाली इतना बड़का बड़का प्रश्न बनाता है सब। एक्चुअल में ये बोर्ड में तो आवे वाला है नहीं, हमारा से लिखवा लीजिए, फिर भी हम आपको बताएंगे, नहीं तो कहेंगे कि अपने नहीं आ रहा है तो नहीं बता रहे हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। जीन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, एक बार आंसर जानते हैं कहाँ होगा? तो यहाँ पे पूछा है कि जीन किनके लिए आया है, तो इस पूरी वाक्य में जीन जो है नेताओं के लिए आया है, जीन नेताओं के लिए आया है। इतना आंसर कि इस पूरे वाक्य में जीन जो है नेताओं के लिए आया है। वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं, तो वे सेना के साथ जो है कहाँ से आ रहे हैं, तो युद्ध में से आ रहे हैं, ठीक है, युद्ध में से आ रहे हैं। और वे सेना के साथ क्यों गए थे, तो उस सेना के साथ युद्ध जीते गए थे, ठीक है। वे क्या जीत कर लौट रहे हैं, तो कुछ जीत कर नहीं लौट रहे हैं, काहे कि वो हार रहे हैं, इसीलिए सेना के साथ आ रहे हैं। कि कोनो बोलेगा नु कि का हो हार गिला, तो एक चटकन धरा देगा सब सेना ओकर गार्ड है सब, इसीलिए सेना के साथ आ रहा है। यहाँ पे इस पूरे वाक्य में इसलिए कहा, ई कहा गया है कि लोग हार जाते हैं जब नेता लोग, तो हारम तो हूरम जीतम तो थूरम, ये भी जो है बिहार का एगो बड़ी प्रचलित जो है मुहावरा है। यानी कि हरबू करेगा तो चार गो के साथ में लेके घूमेगा, जीतबू करेगा तो साथ में लेके घूमेगा। तो इसीलिए ये कहना चाहता है कि कहाँ से कैसे आइल है, ये सब हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है कि गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस कविता को देखते परखते बताएं। दुनिया के एक आसान प्रश्न है, गद्य कविता क्या है, तो गद्य कविता उस कविता को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन की सच्चाई को बताया जाता है, जिसमें यथार्थ जो जिया जाता है उसी को बताया जाता है। यानी कि जो कहे का मतलब कि गद्य कविता वैसी कविताएं होते हैं जिसमें साधारण लोगों की जीवन के बारे में बातें की जाती है, कि कौन कैसे जीता है, कौन समस्या उनके जीवन में आती है, वैसी कविताएं होती है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस कविता को देखते परखते बताएं। गद्य कविता के सबसे अच्छा जो विशेषता है वो जानते हैं क्या है? गद्य कविता जो है एक विचार करने वाली कविता है, क्योंकि इसका एक एक शब्द का जो अर्थ होता है वो एकदम आपको गहराई में लेकर जाता है। देख रहे हैं जो ये आप कविता पढ़े हैं हार जीत, ये एक्चुअल में गद्य कविता है। इसमें जैसे कि एगो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, एकरा मतलब आप क्या समझिएगा कि इसका मतलब है कि जो युद्ध में मरा गया उकर जो है मरने वालों की संख्या हमको नहीं मालूम है। एकर एक वाउ अर्थ निकलता है कि नेता लोग जो है ये नहीं जानते हैं कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, आप वो सिर्फ अपने जश्न के फेर में रहते हैं, तो इसका अर्थ निकला कि नहीं। तो उसी प्रकार गद्य कविताएं की जो विशेषताएं होती है वे एक विचार वाली कविता होती है, जिसके एक एक विचार का अर्थ जो है बड़ी महत्वपूर्ण होता है और बहुत अलग अलग होता है। नेक्स्ट, इस कविता को देखते परखते बताएं। इस कविता को देखते परखते हम यह बता रहे हैं कि जो हार जीत कविता है वो जो है एक समस्याओं जो जनता में समस्याएं होती है उसी समस्याओं को जो है दर्शाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है कि कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है, आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं बताइए। तो कविता में जो है कौन से प्रश्न को उठाया गया है, तो कविता में इस प्रश्न को उठाया गया है कि नेता लोग जो हैं जनताओं पे किस तरह शासन करने के लिए अपना जो है उत्सव मनाते हैं, यानी कि अपन प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, कैसे देते हैं, ये सब प्रश्न को उठाया गया है। आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? हमर समझ में तो ढेरे प्रश्न उठता है, जैसे कि लोग के समस्याओं को जो है और कैसे सुलझाया जा सकता है, नेताओं को जो है कैसे सुधारा जा सकता है, ढेर प्रश्न उठता है। आपको नोट्स में ऑलरेडी जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और बड़ी आसान आसान प्रश्न था जिसको हमने
अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आ गया, याद भी हो गया। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इससे प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि याद हुआ होगा आपको, कुछ नहीं कर रहा है भाई, जो आपके साथ पढ़ते हैं ना ओकरे में शेयर कर देना है बस, और कुछ नहीं। लास्ट चैप्टर एक बचा है जिसका वीडियो कल ही आने वाला है, गांव का घर, बस उसके बाद हिंदी खत्म हो गया कि नहीं हो गया। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।